हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ के इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट वन है आइसक्रीम मैन। इसके एक क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडिंग इज फन में, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। तो सबको ही पता है कि कौन से सीज़न में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो समर सीज़न में। तो आपका आंसर होगा आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम वाले को देखकर किस कौन ज़्यादा खुश हो जाता है, तो चिल्ड्रेन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। जो बच्चे हैं आइसक्रीम मैन को देख करके ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। क्रीम के उन अलग अलग जो फ्लेवर्स है उसके नाम बताने हैं हमें, और आपका आंसर होगा वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है, तो योर आंसर इज द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। तो पोएम में, इस कविता में आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है उसको किस चीज़ से कंपेयर की गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। नाउ नेक्स्ट, लेट्स राइट, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इन्जॉयबल। क्वेश्चन नंबर वन, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इन्जॉयबल थिंग दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि समर डे में, गर्मियों के दिन में हमें आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता है, वैसे ही विंटर सीजन में आपको क्या करना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही दो चार चीज़ें बतानी हैं। आपका आंसर होगा प्लेइंग अंडर द सन, ईटिंग ग्राउंड नट्स, बाथिंग इन वॉर्म वाटर, ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक्स। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, विंटर सीजन में करनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। तो यहाँ पे जो समर सीजन में, समर टाइम में हम कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी लिस्ट हमें बतानी, क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वी इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम सबसे पहले, एंड इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स, enjoy eating mangoes and swimming and playing in water, eating watermelon। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी, ये जो हम समर्स में करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इंटू इनडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे जो है इनडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में, इनडोर यानी जो हम घर के अंदर बैठ के एक्टिविटीज़ करते हैं उसे इनडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं, आउटडोर यानी कि घर के बाहर जो हम एक्टिविटी करते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्विमिंग हो गई, ठीक है, ये प्लेइंग इन वाटर, ये क्या हो गए, आउटडोर एक्टिविटीज़ है। प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ ट्रीज़, ये भी क्या हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई। अब ऊपर ही हमने अभी एक्टिविटीज़ देखी थी समर्स एक्टिविटीज़ में, उसमें ईटिंग मैंगोज, वाटरमेलन, आइसक्रीम, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक्टिविटीज़ है जो कि हम क्या कर रहे हैं, इनडोर में कर रहे हैं। से अलाउड सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे हनी बीज, ये आपको एक करके दे दिया गया है जहाँ पे इस वर्ड में ज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी तरीके से आपको वो सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें लास्ट में ज साउंड प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, राइस, लेजी, रेस, चेस, मेज, ब्लेज, बिजी, दीज, फीज, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसमें ज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, लेट्स लिसन, क्वेश्चन इज लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड इन द पोएम प्रोड्यूस। तो यहाँ पे पोएम में जो कार्ट के लिए जो वर्ड आया था, जब कार्ट जो सड़क पे चलता है तो उसका जो पहिया घूमता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है, तो इसके लिए कार्ट के लिए हमें जो वर्ड आया था टर्डलिंग की, ये टर्डलिंग ये वर्ड आया हुआ था, और ड्रिंक्स के लिए फीस, फीस तरीके का जो साउंड होता है फीस, तो ये फीस वर्ड आया था।
ओके, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। तो यहाँ पे आपको बताना है जब आइसक्रीम मैन आता है तो आपको कौन कौन सी वो डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ सुनाई देती है, जिससे ये पता लग जाता है कि आइसक्रीम मैन आ गया है आपके गली मोहल्ले में। तो ज़्यादातर तो जो आइसक्रीम मैन होते हैं वो अपने कार्ट में बेल उन्होंने लगाई होती है, जो टन टन की आवाज़ होती है, ठीक है, या फिर जो दूसरी तरीके की बेल भी हो सकती है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ हो सकती है, या फिर वो कोई म्यूज़िक या सॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो साउंड आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनने के लिए मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट रिपोर्ट। हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस। ही हैज़ 50 काउस। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स। In the evening, the farmer bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. Okay, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। When writing a report, remember to do these things. जब आप रिपोर्ट लिखोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे बॉक्स में दी गई है। फर्स्ट देखिए, थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। तो आपको एक बहुत ही अच्छा टाइटल सोचना है, उसे अच्छे से लिखना है। सेकेंड, कीप टू योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है आप उसी पे फोकस करेंगे और ज़्यादातर इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। थर्ड है, टेल थिंग इन द राइट ऑर्डर, जो भी आपको बातें कहनी है वो एक राइट वे में, एक राइट ऑर्डर में आप कहेंगे। फोर्थ है, मेक योर पेपर लुक नीट, और आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा दिखना और साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। इन अ ग्रुप ऑफ फोर, राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आपको क्लूज दिए गए हैं, उस क्लूज को देख करके आपको रिपोर्ट लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है, स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन द टॉपिक, आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंड, द लिस्ट, देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, तो आपके एरिया में जो भी आइसक्रीम के ब्रांड्स अवेलेबल है उसके नाम आपको बताने हैं, लिस्ट आउट करना है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, तो हर ब्रांड में एक कॉमन फ्लेवर होता है, वो कौन सा है वो भी आपको बताना है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बींग सोल्ड द मोस्ट, तो आपको ये बताना है कि हर ब्रांड में वो कौन सा फ्लेवर है जो ज़्यादातर सोल्ड होता है, बिकता है। आल्सो फाइंड आउट देयर प्राइस, और उसके प्राइस भी, कीमत भी आपको बतानी है। लास्ट है, फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, तो आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जो आइसक्रीम ब्रांड है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे चलिए रिपोर्ट लिखते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट हम टाइटल लिखेंगे, ठीक है, रिपोर्ट में सबसे पहले हमें टाइटल लिखना, आइसक्रीम इन द कॉर्नर। ओके, ये टाइटल हो गया आपका। आप लिखोगे जो आपको पहला बोला गया है, आइसक्रीम इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वन। आइसक्रीम इज़ अवेलेबल इन द नंबर ऑफ़ फ्लेवर्स। ओके, देन नेक्स्ट होगा, देर आर नंबर ऑफ़ आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन माई एरिया। ओके, आपको अपने तरीके से लिखना है। सम ऑफ देम आर अमूल, मदर डेयरी, वाडीलाल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। अकॉर्डिंग टू द सर्वे टेकन, अमूल केसर पिस्ता फ्लेवर्ड आइसक्रीम इज सोल्ड द मोस्ट इन द मार्केट। इट कम्स एट रुपीज़ 350 750 ml। ओके, मदर डेयरी चॉकलेट आइसक्रीम इज सोल्ड द मोस्ट इन द मार्केट, इट्स प्राइस ₹110। वनीला आइसक्रीम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ऑफ देम, इट इज़ इंजॉयबल ऑलमोस्ट बाय एवरीवन। तो इस तरीके से आप अपनी जो रिपोर्ट से लिख लोगे। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, आपको उन बॉक्सेस को कलर करना है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, जो राइम करते हैं वर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, हार्ड यार्ड, स्काई माय, ये सारे जो है ये राइमिंग वर्ड्स है। हीट स्ट्रीट, प्ले ओबे, ब्लोज गोज, रेस फेस, लेबल टेबल, राइट नाइट,
तो ये आपके क्या हो गए राइमिंग वर्ड्स, इन्हें आप क्या करेंगे इन बॉक्सेस को कलर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोयम। जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोयम में। जॉयफुल क्या है, जॉयफुल साइड है, जो बच्चे कोन में भरते हुए, जो आइसक्रीम को भरते हुए देखना उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे जो होगा जॉयफुल साइट। लिटिल क्या था, कार्ट था, ओके, आइसक्रीम मैन का जो छोटा सा कार्ट था, गाड़ी थी वो कार्ट यहाँ पे होगा लिटिल कार्ट। राउंड अम्ब्रेला था। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। जो माउंट्स थे इसके लिए क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आया था यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे माउंट्स का मतलब होता है ढेर। ढेर क्या लग रहा था कोन में, यहाँ पे ठंडा भूरा और सफ़ेद कलर का जो आइसक्रीम था उस उसकी ढेर लगी जा रही थी कोन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कूलिंग ब्राउन एंड वाइट मोंट्स हो जाएगा। फ्लेवर कौन कौन से फ्लेवर थे, आपको आपने पोएम में पढ़ाया था वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये फ्लेवर्स थे। क्लस्टर कैसा था, जो बच्चों का जो झुंड था कितना थिक था, तो यहाँ पे क्लस्टर के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आया वो थिक है। नाउ नेक्स्ट फन टाइम क्वेश्चन, कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर मेंशन इन ईच। तो यहाँ पे आपको उन बॉक्सेस को कलर करना है जो आपको फ्लेवर दिया गया है। चॉकलेट कौन सा कलर का होता है, ब्राउन, वनीला वाइट कलर, ऑरेंज ऑरेंज कलर का ही होता है, ब्लैक करंट वॉलेट कलर का होता है, तो आपको यहाँ पे वॉलेट कलर करना है। स्ट्रॉबेरी पिंक, ओके, रसबेरी आपका रेड हो जाएगा, बटर स्कॉच आपका येलो कलर का होता है, पिस्ता ग्रीन, तो आपको ये सारे बॉक्सेस इस कलर में कलर कर देने हैं। नंबर टू देखिए, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपका जो ड्रीम आइसक्रीम होगा उसे आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है, फिर उसे क्या करना है, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आपको उस आइसक्रीम को, जो आपकी ड्रीम आइसक्रीम है, उसको डिस्क्राइब करना है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करके। द कलर्स, फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट कैसा है उसका, उसको खाने के बाद आपको कैसा फील हुआ, उसका स्वाद कैसा था, फ्लेवर कैसा था, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है, ओके। तो हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व, बट दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ चार स्टेप्स दिए गए हैं, ये किस तरीके से सर्व किया जाता है आइसक्रीम, तो इसका जो सर्व करने का जो स्टेप है वो इनकरेक्ट ऑर्डर में दिया गया है, आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको प्लेस करना है। द कुल्फी वाला टेक्स अ कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, ठीक है, ही स्कूप आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, ठीक है। थर्ड स्टेप में ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, तो कुल्फी के चारों तरफ वो फालूदा अरेंज करेगा। फोर्थ और लास्ट स्टेप है, देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, और कुछ स्वीट जो सिरप होंगे, मीठे जो चाशनी होगी, उसके चारों तरफ क्या करेगा, डालेगा और फिर उसके बाद वो सर्व करेगा। तो ये जो सारे स्टेप्स हो गए जो करेक्ट ऑर्डर में हैं, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।